व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन वायरल क्रिएटर। तो गाइस, अभी के समय में कुछ इस तरह का रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। अगर आप भी इसी तरह से रील्स वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे तो शायद आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। तो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए आप भी इसी तरह से वीडियो बना लो। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, बिना स्किप करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपने VN एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को प्लस आइकॉन में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को इस वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोग को यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल करके आना है और जो देख सकते हो लास्ट में आप लोग को ब्लैक लेयर देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग को टैप करना है। टैप करने के बाद देख सकते हो ऊपर में डिलीट वाला ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग को प्लस आइकॉन में क्लिक करना है, वीडियो फोटो पे चले जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को फोटो में क्लिक करके अपना कोई सा भी एड फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने गैलरी पे चले जाता हूँ एंड उस फोल्डर में आप लोग को शो होना है जिसमें आपने फोल्डर अपने फोटोज़ को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई सा भी अपने एड फोटोज़ को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपने कोई सा भी एड फोटो को ऐड करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एयर वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना आप भी कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सिंपली म्यूजिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को जाना है म्यूजिक पे। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में वाला सॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को सिंपली से क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को म्यूजिक बीट पे चले जाना है, ठीक है। और बीट में जाने के बाद क्या करना है, आप लोग को इसे प्ले करना है, ठीक है। और प्ले करने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को ऐसे करके म्यूजिक मतलब इसमें बीट ऐड करना है, ठीक है। और बीट कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बता दूँ, जैसे आप लोग इसको प्ले करोगे उसके बाद में जहाँ बीट रहेगा ना वहाँ पे आप लोग ऐसे फ्लैग को यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से लगा लिया ताकि ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोग को भी म्यूजिक को सुन के ना अच्छे से यहाँ पे बीट लगा लेना, ठीक है। इसमें आप लोग को टोटल 8 बीट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 बीट लगेगा, आप लोग टोटल देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आपको अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग को 0.5 पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोमो हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग प्ले करके ऐसे आराम से करके यहाँ पे ऐसे कर करके बीट लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा था, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला बीट यहाँ पे लगा है, ठीक है। सेकंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट, शायद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना कितना समय में यहाँ पे बीट लगा है। पहला बीट यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे सेकंड बीट देख सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन शो करा, ठीक है, टाइप का देख सकते हो। तो आप भी इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हो बीट को, ठीक है, सुन के अच्छे से। तो यहाँ पे आप भी इसी तरह से लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को नीचे से राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ पे फिर से आप लोग को राइट कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को अपने फ़ोटो को अपने बीट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे अपने फ़ोटो मतलब कि यहाँ पे बीट के हिसाब से अपने फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। तो अपने आपको यहाँ पे आप लोग को बीट के हिसाब से अपने फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बराबर में ऐसे करके। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे फोटोज़ को बीट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह से कर लेना, ठीक है, यहाँ पे इतना। तो यहाँ पे देख सकते हो सॉन्ग में अच्छे से परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा हमारा फोटो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को वहाँ पे जाना है, यहाँ पे फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पहला फोटो है और यहाँ पे एक वीडियो, ठीक है ना, वीडियो और फोटो के बीच में एक प्लस का आइकॉन है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्हाइट वाले यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट वाला आप लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग को यहाँ पे सिंपली से क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप लोग को चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे से आप लोग को राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सेकंड फोटो में जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को एफएक्स पे जाना है और एफएक्स पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को जूम इन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसे पूरा आप लोग को पूरा फोटो में ऐसे फुल साइज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे से राइट करना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे थर्ड वाले फोटो में और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को फिर से एफएक्स पे जाना है और इसमें इस बार आप लोग को यहाँ पे डिजिटल लेफ्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसे भी आपको फुल स्क्रीन करके यहाँ पे नीचे से राइट करना है। फिर आपको जाना है और दूसरा फोटो में और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पे जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे
स्लाइड देख सकते हो यहाँ पे साइड राइट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना है ठीक है। फिर इसे आप लोग को नीचे से राइट कर देना है, फिर आपको जाना है अगले फोटो में, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को फिर से एफएक्स पे आना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को जूम आउट वाला यहाँ पे फिल्टर को यहाँ पे एफएक्स को ऐड करना है ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को नीचे से राइट करना है, और इसके बाद आप फिर से आप लोग को सेकंड फोटो में आना है, इस पर आप लोग को एफएक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को जिटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे से राइट कर देना है, फिर आपको जाना है अगले फोटो में, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लेस वाला देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग को इसे चूज़ करके नीचे से राइट करना है फिर ठीक से देख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में जाना है एफएक्स पे जाना है, और यहाँ पे लास्ट में आप लोग को एक्सपांड वाला देखने को मिलेगा ठीक है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे से राइट कर देना है, तो इतना अभी कर लेना यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको मैं यहाँ पे प्ले करके बता देता हूँ अपने वीडियो को ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैसा बना है, तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका वीडियो भी इस तरह से बन जाएगा ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगेगा देखने में। और आप इंस्टाग्राम पर इसे पोस्ट करके अपने वीडियो को वायरल भी कर सकते हो, तो आप इस तरह से कर लेना। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है यहाँ पे क्लिक करके 916 में क्लिक करके सिंपली इसे आप लोग को एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ देर लोडिंग ले रहा है ठीक है यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगा आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग को सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना ठीक है। तो ये वाला रील आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो होप करता हूँ यार आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइस एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।